डाला गया बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक नई चीज डाली गई है, बैट डाला गया। बैट मतलब ब्रेक का टोटा, ब्रेक का टोटा मतलब 3/4 बैट, मतलब इस ये जो ब्रेक है इसकी जो सी लेंथ देखो कितनी है, ये ब्रेक की लेंथ कौन सी है 200 है, इस ब्रेक की लेंथ कितनी है ओनली 150। ये टोटा है ईंट का, ये टोटा है, ठीक है। ये सिर्फ इसी फिगर में डाला गया, और कहीं आगे ब्रेक बैट नहीं यूज हुआ आपके सिलेबस में ड्राइंग में। ये सिर्फ इसमें डाला गया, टोटा डाला गया 150 का, टोटा डाला गया 150 का, टोटा मतलब कट पीस, ठीक है। यस सर, 3/4, ठीक है। 3/4, 3/4 का मतलब क्या है देखो, अगर मैं बताऊं आपको, एक ब्रिक 200 की होती है, चार हिस्से कर लो 50 50 50 50 हो गया, तो 3/4 मतलब 150 हो गया, ये 150 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 200 की है, ये भी 200 का है, ये भी 200 का है, इसके बाहर ये ऐसे हीट रखी गई है, ये 100 100 में है टोटल मिला के, इधर भी 100 इधर 200 इधर 100 टोटल 400, ठीक है। 400 से 300 की वॉल जुड़ी गई है, इधर भी अल्टरनेट, अगर नीचे ऐसे बनाया तो ऊपर ऐसे बनेगा। अब देखो ये रिवर्स ही है एक तरीके का, मतलब ये ऐसे हीट रखी गई 200 की, फिर ये 100 की है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीजें क्लियर है। तो ये कौन सा है, ये टी जंक्शन है 400 और 300 की वॉल का, 2 ब्रिक एंड 1.5 ब्रिक थिक वॉल, इंग्लिश बॉन्ड में है, टी जंक्शन है, इंग्लिश बॉन्ड है ये सारे, ओनली इंग्लिश बॉन्ड है आपके सिलेबस में, ड्राइंग में कोई और बॉन्ड नहीं करना आपने, ठीक है। अब एक आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, एक पिलर होते हैं, पिलर क्या होते हैं स्टूडेंट? बोर्ड के लिए देते नहीं है घर में। हाँ देखो, अगर तो वर्टिकल वर्टिकल मेंबर होते हैं, हाँ वर्टिकल सपोर्ट के लिए जो मेंबर्स दिए, वर्टिकल मेंबर्स जो दिए जाते हैं सपोर्ट के लिए, उनको पिलर्स कहते हैं। अगर तो वो स्पेसिफिकली ब्रिक के बने हुए हैं तो उन्हें पिलर कहते हैं, अगर वो सीमेंट कंक्रीट आगे पढ़ाएंगे आपको सरिया डाल के बनाए गए हैं तो उसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। हमने अभी हम ईंटों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ब्रिक मेजनरी पढ़ रहे हैं, तो हम ब्रिक के पिलर्स पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ब्रेक के पिलर्स हैं स्टूडेंट, देखो ये अब अगर सपोज कर लो आपने पिलर बनाना है या कॉलम बनाना है 200x200 का, अल्टरनेट पोर्स ऑफ 1 ब्रिक स्क्वायर पिलर, 1 ब्रिक मतलब 200x200 पिलर बनाना है हमने, 1 ब्रिक का 200 का मतलब 200x200 का पिलर बनाना है, ये प्लान है। देखो पहले ईट ऐसे रखेंगे, ठीक है, yes. उसके बाद उसके ऊपर ईट ऐसे रखेंगे, ठीक है, okay, फिर ईट ऐसे रखेंगे, फिर ईट ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब अगर इससे जो कंस्ट्रक्शन होगी, अगर उसको सामने से देखें, फ्रंट उसका ऐसा दिखेगा, देखें ऐसा ही दिखेगा, ये फ्रंट है, अब ये प्लान नहीं है ना, yes, ये वाली जो है चीज वो ये है, और ये वाला जो कोर्स है वो ये वाला कोर्स है, ठीक है। ये अगर 200x200 का पिलर बनाना है, 1 ब्रिक स्क्वायर पिलर बनाना है तो ऐसा बनेगा, अगर आपने 1.5 ब्रिक स्क्वायर पिलर बनाना है, 300x300 का पिलर बनाना है तो ऐसा बनेगा। पहले कोर्स ऐसे ईट लग गई, फिर ऐसे लग गई, ऐसे लग गई, ये 100 100 100 300 हो गया, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी हमने 300 बनाना है, तो ये बैट डाला गया, मैं फिर बता रहा हूँ ये ब्रिक बैट है, 150 का जो 3/4 होता है वो बैट होता है, ठीक है, ये बैट डाला गया, ब्रिक बैट टोटा। और फिर इसके ऊपर अगला कोर्स कैसा बनेगा ज्वाइंट तोड़ने के लिए, इसी का ही उल्टा है, देखिए है ना, हाँ जी ऐसे ईट रखी, फिर ऐसे रखी, जब हम इसका इसको बनाने के बाद सामने से ये ऐसा दिखेगा, ये वाले जो कोर्स हैं वो जो आंसर हैं ये वाले हैं, और ये वाले जो कोर्स हैं वो ये वाले, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट शीट है, बेसिक शीट है, शीट नंबर 1 जो आपकी थी वो थी टी जंक्शन बनाने हैं और कॉर्नर जंक्शन बनाने हैं ब्रिक मेजनरी के, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर अलग अलग साइजेस के साथ, तो ये सारे आपने एक ही शीट पे बनाने हैं, ये एक शीट नंबर 1 है आपकी बिल्डिंग ड्राइंग की, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। जितनी फिगर्स मैंने आपको दिखाई हैं, समझाई हैं, यही फिगर्स बनानी है सारी ड्राइंग शीट के ऊपर जो बाहर से मिलती है, ठीक है। अब आप बुक्स परचेज कर लोगे बुक? हाँ जी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये सारी फोटोएं आपके गूगल क्लासरूम में बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। तो आप सबने, हाँ जी बोलो,
सर पेंसिल कितने नंबर की यूज करनी है स्वर्ण आप फर्स्ट ईयर जी सर पेंसिल हमेशा दसा मैं कहते पेंसिल केड़ी यूज करनी है हुण बेटा 2H दी यूज कर लो तू जो मार्जिन है ना स्टूडेंट जो मार्जिन है जो हैशे होते हैं मार्जिन वो जेट ब्लैक डार्क मारना है एकदम ठीक है वो चाहे अच्छी एचबी से मार लेना चाहिए ठीक है सर और वैसे ही बनाना है जैसे आपको सिखाया था नीचे जो आप डायलॉग बॉक्स बनाते हो ना नीचे जैसे फर्स्ट ईयर में सिखाया होगा यस सर साइड पे नीचे डायलॉग बॉक्स नेम ब्लॉक्स है सर वो स्टैंडर्ड चाहिए स्टैंडर्ड दा हां वो जो दा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग चाहिए उसमें जो भी लिखते हो सारा उसमें टाइटल भी लिखोगे जो शीट का टाइटल है मैं डाल दूंगा वो भी लिखना आपने सारा नंबर 1 लिखना है अपना और उसमें अपना नाम और रोल नंबर पेन से लिखना है सिर्फ नाम और रोल नंबर अपना नाम और रोल नंबर इंक में लिखना है ब्लू पेन से बॉल पेन से रोल नंबर जितने लिखना ना रोल नंबर जेड़ा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जेड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर है ओदे लास्ट वाले 4 या 5 अक्षर लिख दियो ठीक है सर क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर दे अकॉर्डिंग ही आपा चलना आगे सर रोल नंबर दे सा रोल नंबर दी जगह ते जेड़ा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 190 ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਰ ਉਹ ਓਵਰਵਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਸੀਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਊਗਾ ਸਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ तो स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है किसी को नहीं सर एक मिनट मैं ये आपकी वो अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ दो मिनट टोटल 20 बच्चे आए हैं आज क्लियर है एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ रोल नंबर सुन लो 30 रोल नंबर ठीक है 30 के बाद कन्वर राय धनोआ रमनदीप लीड 12 3 35 राजेश रंधावा लीड 30 4 6 9 15 16 19 20 21, 29, 30, 31, 33, 10, 1 और कोई रह तो नहीं गया रमनदीप लीड क्लियर है सबको सर 20 हो गया 20 हो गया कोई रह तो नहीं गया रीज्वाइन करना है कि नहीं बस अब स्टूडेंट अब कितने बजे तक पीरियड है ना 12:40 तक है ना सर अमित सर ठीक है की करिए हूं ना हो गया अमित सर हां जी हो गया ओके चलो फिर स्टूडेंट कर सर हो गया ठीक है सर ठीक है हो गया टाइम तो स्टूडेंट अब आप मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा सारी फिगर्स आप शीट बनानी शुरू कर देना स्केल अगर आप स्केल सही चूज करना स्केल 1:10 पे बन जाएगी ये सारी 1:10 पे ठीक है एक ही शीट पे ठीक है क्लियर है स्टूडेंट सबको